हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइग्रेड ब्रेन दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर टीचर और मेंटोर मैं आपको बता दूं कि माइग्रेड ब्रेन्स में किडर गार्डन से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक चैप्टर वाइज कोर्स वाइज बुक वाइज एन टी एस सी ओलंपियाड स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सभी कोर्सेज जो है वो हंड्रेड परसेंट फ्री अवेलेबल है आपको यहाँ पर दो या तीन वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी लेने लेना पड़ता पर, है क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो हंड्रेड परसेंट फ्री अवेलेबल है आपको मैं एक और चीज बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन के प्लेटफॉर्म पर बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल है मैं आप इनको जो है कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सैम्पल पेपर सोल्यूशन की बुकलेट एम बुक्स थ्योरी बुक्स एंड मैनी मोर अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन पर जाकर फॉर्म फिल करना होगा बैकेंड टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगी एंड यू कैन गेट ऑल दीज बुक्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी अचीवर्स लेवल एम सो अचीवर्स लेवल के एम के क्वेश्चन आज हमको सॉल्व करने हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि आई के एग्जाम का अचीवर्स सेक्शन जो होता है उसमें क्वेश्चन जो हैं वो मैच द कॉलम ट्रू एंड फॉल्स फिलिंद द ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और स्टेटमेंट वाइज होते हैं मतलब थोड़ा सा लेंदी भी होता है लेकिन वेटेज सबसे ज़्यादा अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस का ही होता है तो मैं कहूंगा कि मैरिट जो है ना वो इसी सेक्शन पर डिपेंडेंट होती है सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में जो है वो कवर अप कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन ध्यान से देखिए इन द गिवन फिगर जे के एल एम इन द गिवन फिगर जे के एल एम इज अ स्क्वायर विद साइड्स ऑफ लेंथ सिक्स यूनिट्स सो यहां पर जो ये स्क्वायर दिया हुआ है इसका डायमेंशन जो है वो कितना है वो है सिक्स यूनिट फिर दिया हुआ है कि पॉइंट ए एंड बी आर द दिड पॉइंट के एल एंड एल एम सो इफ दिस इज पॉइंट और ये क्योंकि स्क्वायर था तो ये कितना हो जाएगा ये थ्री हो गया क्योंकि सिक्स का हाफ हो गया और ये भी आपका थ्री हो गया ये भी आपका थ्री हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है और ये भी आपका कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा फिर आगे क्या दिया हुआ है इफ अ पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर मतलब मैं रैंडमली कोई भी एक पॉइंट जो है वो यहां पर पिक कर लूंगा मतलब इस पूरे एरिया में मैं कहीं से भी कोई भी पॉइंट को पिक कर सकता हूं और यहां पर बहुत सारे पॉइंट हैं मैं बोलूंगा कि यहाँ पर कोई ऐसा डिफाइंड नहीं है कि यहाँ पर दो पॉइंट है या दस पॉइंट है या दस हजार पॉइंट है तो मैंने पूरा बस एरिया शेड कर दिया कि हम इस पूरे एरिया की कहानी की बात जो है वो यहाँ पर करेंगे तो अगर इस पूरे एरिया की कहानी की हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहला काम यही होगा कि हमें यहां पर क्या निकालना है एरिया निकालना होगा स्क्वायर का तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू सिक्स आपका थर्टी सिक्स स्क्वायर यूनिट अब आगे क्या कहानी है वो क्वेश्चन में सबसे पहले समझते हैं वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट विल बी चूजन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल जे ए बी मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है कि अगर मैं पॉइंट को पिक कर रहा हूँ तो वो पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर लाई करता है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो ये तो डिपेंड करेगा कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना है इस पूरे स्क्वायर के एरिया में इस का एरिया कितना है मतलब मेरे लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर हो जाएगा और फेवरेबल केस जो है वो आपका क्या हो जाएगा वो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हो जाएगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो इंटू सिक्स दैट इज थर्टी सिक्स स्क्वायर यूनिट हो गया है अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल जे ए बी तो ये किसके बराबर होगा ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस अगर मैं इसमें से इन तीन ट्रैंगल्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं क्योंकि मैं इनको ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूं क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है और मैं इनका एरिया बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लूंगा सो so माइनस क्या करना है माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रैंगल जे के ए प्लस बी एल ए प्लस जे एम बी सो एरिया ऑफ स्क्वायर जैसा कि हमें पता है ये थर्टी सिक्स है माइनस ये हो गया आपका जे के ए जे के ए देखिए ट्राइंगल है हाफ बेस इंटू हाइट लगेगा सो हाफ बेस इंटू हाइट कितना हो गया ये थ्री थ्री जन हो गया ये जे के ए बी एल ए की अगर हम बात करें तो हाफ बेस इंटू हाइट तो ये हो जाएगा आपका नाइन बाय टू प्लस जे एम बी की बात करें तो ये हाफ बेस इंटू हाइट मतलब हाफ सिक्स इंटू थ्री तो ये भी कितना आ जाएगा नाइन ही आ जाएगा जैसा यहाँ पर आपको मिला था तो ये हो गया तीन जो ट्राइंगल थे जिनको मुझे करना है तो यहां पर आपका हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस नाइन और नाइन एटीन होता है और ये काम करते हैं हम एल्सियम ले लेते हैं थर्टी ये हो जाएगा एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स प्लस नाइन इज फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 72 टू माइनस फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई टू एंड ये कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 27 सेवन डिवाइडेड बाई टू यूनिट और ये आपका एरिया आ गया है किसका एरिया आ गया है ट्राइंगल जे ए बी का ये मेरा फेवरेबल केस हो गया ये मेरा टोटल केस हो गया दिस इज़ माय टोटल केस ये एरिया जो है मेरा फेवरेबल केस है फेवरेबल एरिया है प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए की ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई टू एंड होल डिवाइडेड बाई वॉट थर्टी सिक्स ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई टू इन टू थर्टी सिक्स नाइन थ्री जा नाइन फोर ज़ा और थ्री बाई एट जो है वो मुझे यहाँ पर आंसर मिल गया है ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है उसमें थ्री बाई एट यहाँ पर गिवन है एंड ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन चूज करेंगे क्या करते हैं हम एरिया फाइंड आउट करके जो है वो यहां पर टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड जो आपके फेवरेबल केसेस है वो हम एरिया से फाइंड आउट यहां पर करते हैं यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि होगा क्वेश्चन नंबर टू तो क्वेश्चन नंबर टू की कहानी देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन हम लोगों ने कर लिया है अब क्वेश्चन नंबर टू जो है वो टू डाइस से रिलेटेड है और हमें यहां पर मैच द कॉलम करना है कॉलम वन कॉलम टू यहां पर गिवन है टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली मैच द इवेंट्स गिवन इन कॉलम वन टू द प्रोबेबिलिटीज गिवन इन कॉलम टू सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है और यहां पर जो है वो इवेंट दे रखे हैं तो सबसे पहला यहां पर ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है कि हमें चाहिए सम एज प्राइम नंबर सम एज प्राइम नंबर चाहिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमने याद किया था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि जब हम दो डाइस थ्रो करते हैं तो सम वन आ सकता है टू भी आ सकता है थ्री भी आ सकता है फोर भी आ सकता है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और यहाँ पर देखिए हमारी जगह जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि सम आ सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड एलेवन ये जो सम है वो हम लोगों ने कैसे किया था कि भाई अच्छा सम तो यहाँ पर वन तो आ ही नहीं सकता सम तो टू से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जो है आपका अगला क्या आ जाता था ट्वेल्व अगला जो सम था वो आपका कितना था वो था आपका ट्वेल्व नाउ सम जो टू था उसमें अगर हमने देखा था कि केसेस जो थे वो कितने थे वन केसेस थे यहाँ पर थ्री के लिए ये एक इसके बढ़ गया था ये इससे कम नंबर कम रहता था और ये कब तक ऐसा होता था जब तक ये सिक्स तक ना पहुँच जाए जब ये सिक्स तक पहुँचता था फिर हम इसको रिड्यूसिंग में मतलब फाइव फोर थ्री टू और ये वन तो हमें सम पता है और उस सम में क्या केस होता है वो केसेस हमने यहाँ पर लिख लिए हैं सबसे पहला है सम एज अ प्राइम नंबर तो हमें पता है प्राइम नंबर कौन से कौन से होते हैं प्राइम नंबर टू होता है थ्री होता है फाइव होता है Seven होता है और इलेवन होता है इसमें केसेस अगर हम देखें तो टू में आपका वन केस हो गया थ्री में आपका टू केस हो गया सेवन में आपका सिक्स हो गया इलेवन पीछे से है तो पीछे से वन से वापस से चालू होता है तो ये कितना हो जाता है टू तो टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर हम देखें यहां पर एस नहीं यहां पर क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं फेवरेबल केसेस हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस सेवन इज टेन टेन प्लस सिक्स जो है वो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है सिक्स यहाँ पर एक कम रहेगा सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव इज फिफ्टीन सो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए फिफ्टीन हो गए और अगर ये टोटल नंबर ऑफ केसेस फिफ्टीन हो गए हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है इस इवेंट की जब हम निकालेंगे तो ये फिफ्टीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस क्योंकि हम दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो सिक्स स्क्वायर मतलब थर्टी सिक्स जो है वो एन एस की वैल्यू रहेगी सो थर्टी सिक्स से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे थ्री से कैंसिल किया फाइव ज़ा ये हो गया ट्वेल्व ज़ा तो फाइव बाय ट्वेल्व जो है वो प्रोबेबिलिटी आएगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड में ये गिवन है फाइव बाई ट्वेल्व मतलब पी का जो मैच द कॉलम में हम अगर मैच करेंगे तो थर्ड वाली स्टेटमेंट से करेंगे तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो है वो एलिमिनेट हो गया ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर होगा अगला चलते हैं Q पर Q क्या बोलता है मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइज एंड मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अदर डाइज इसका मतलब ये होगा कि हम जब डाई थ्रो करते हैं तो हमें दो आउटकम मिलते हैं पहले डाई का और एक दूसरे डाई का इसमें बोला है ऑफ़ on तो टू का मल्टीपल लेते हैं तो थ्री का मल्टीपल क्या क्या होता है थ्री होता है और सिक्स होता है लेकिन ध्यान से देखिए इसका एक और केस बनेगा कि थ्री पहले आ जाए टू बाद में आ जाए क्योंकि यहां पर ऐसा लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाई ऐसा नहीं लिखा है कि फर्स्ट पे ही टू आना चाहिए और सेकंड में थ्री आना चाहिए वन डाई मतलब वो सेकंड पे भी आ सकता है वो फर्स्ट पे भी आ सकता है तो इसके भी दो केसेस बनेंगे इसके भी दो केसेस बनेंगे क्योंकि टू कॉमा थ्री भी चलेगा थ्री कॉमा टू भी चलेगा टू कॉमा सिक्स भी चलेगा सिक्स कॉमा टू भी चलेगा इसका मतलब यहां पर आपके टोटल हो जाएंगे फोर केसेस अगला है फोर आपका टू का मल्टीपल है थ्री का मल्टीपल थ्री हो गया और ये हो गया आपका सिक्स अगेन इसके भी दो दो केसेस बनेंगे तो ये हो गए टोटल आपके फोर केसेस अगर टू का जो मल्टीपल होता है वो सिक्स होता है तो सिक्स के साथ थ्री का कॉम्बिनेशन आ जाएगा और सिक्स के साथ सिक्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा यहां पर बस एक स्पेशल केस है कि इसमें तो दो केसेस बन जाएंगे थ्री और थ्री कॉमा सिक्स लेकिन सिक्स कॉमा सिक्स का एक ही केस रहेगा क्योंकि दोनों में ही सेम नंबर है तो टू प्लस वन यहाँ पर टोटल कितने केसेस होंगे थ्री केसेस होंगे तो फोर फोर थ्री इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो फोर फोर एट प्लस थ्री कितना हो जाता है यहाँ पर इलेवन केसेस यहाँ पर बनेंगे अगर ये इलेवन केसेस बनेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है आपका क्यू का वो कितना हो जाएगा इलेवन बाय थर्टी सिक्स ये कैंसल आउट भी नहीं होगा और आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में ये गिवन है इलेवन बाई थर्टी सिक्स और क्यू का आंसर अगर फर्स्ट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है ये आपका ऑप्शन सेकंड गिवन है सी में तो सी आपका आंसर नहीं होगा बी भी नहीं है ए भी नहीं है इसका मतलब डी आपका आंसर हो गया लेकिन हम आर और एस को भी यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बट आंसर जो है आप देख सकते हैं आंसर डी हमारा आ चुका है दो स्टेटमेंट को चेक करने से नेक्स्ट है टोटल ऑफ एटलीस्ट टेन एटलीस्ट टेन चाहिए मतलब ये मिनिमम हमने यहां पर फिक्स कर लिया और मैक्सिमम तो ट्वेल्व तक हम जा सकते हैं तीनों के केसेस को अगर हम ऐड करें तो थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स होता है और हमारा क्या निकालना है आर निकालना है तो आर का आंसर हो जाएगा 36, और फोर्थ में दिया हुआ है आप देख सकते हैं आर का आंसर आपका यहां फोर्थ है नेक्स्ट अगर हम चले यहां पर एस पर एस दिया हुआ डबलेट ऑफ इवन नंबर डबलेट ऑफ इवन नंबर का मतलब होगा कि भाई टू कॉमा टू फोर कॉमा फोर दिस इज डबलेट और इवन नंबर की डबलेट है ये और ये हो जाएगा सिक्स कॉमा सिक्स इसके अलावा कोई भी इवन नंबर की डबलेट नहीं आएगी यहाँ वन 3.3 वन थ्री कॉमा थ्री फाइव फाइव ये ऑड नंबर की डबलेट्स है तो टोटल कितने केसेस हैं यहाँ पर थ्री केसेस हैं और थ्री केसेस हैं तो थ्री बाय थर्टी सिक्स दैट इज वन बाय ट्वेल्व और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका आंसर वन बाय ट्वेल्व भी गिवन है तो आपका डी ऑप्शन जो है वो आंसर आ चुका है सबसे बढ़िया जो था वो ये क्यू वाला स्टेटमेंट था जिसमें हमें जो है मल्टीपल ऑफ टू ऑन वन डाइज एंड मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अदर डाइज चाहिए था यू कैन टेक द स्क्रीन फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री पर सो क्वेश्चन नंबर थ्री की क्या कहानी है क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन ब्लैंक्स यहां पर फिलैंक दिया हुआ है आपकी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में पी क्यू आर एस ये चार हमें वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है पहला दिया हुआ है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई सिंगल थ्रो कर रहे हैं डाई का द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन टू चाहिए मतलब आपको थ्री चाहिए फोर चाहिए फाइव चाहिए और सिक्स चाहिए और सिंगल डाई में आपको पता है हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती थी वो वन बाय सिक्स होती थी या जो हमारा फेवरेबल केस है इसका वन है इसका भी वन है इसका भी वन है और इसका भी वन है चारों को ऐड कर देते हैं फोर आ जाएगा तो यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो फोर बाय सिक्स आ जाएगी मतलब यहाँ पर टू बाय थ्री जो है वो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी सो so पी की जो वैल्यू है वो टू बाई थ्री आ रही है और टू बाई थ्री आप देख सकते हैं यहां पर और यहां पर गिवन है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम क्या कर देंगे यहां पर एलिमिनेट कर देंगे अगली कहानी है सेकेंड पॉइंट की आप ध्यान से देखिए अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड फिफ्टी टू में से हमने जो है एक कार्ड को पिक किया है और प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड इज क्यू तो आपको पता है कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई टोटल रेड कार्ड 26 होते हैं जिस 52 टोटल कार्ड्स में से तो ये हो गई आपकी वन बाई टू प्रोबेबिलिटी तो क्यू का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा वन बाई टू पी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर टू बाई थ्री और अगला क्या दिया हुआ है एंड अ फेस कार्ड इज आर तो फेस कार्ड की मुझे प्रोबेबिलिटी पता लगानी है जैसे कि हमको पता है कि टोटल फेस कार्ड जो है वो ट्वेल्व होते हैं एक सूट में आपके थ्री फेस कार्ड चारों सूट में जो है थ्री इंटू फोर ट्वेल्व फेस डिवाइडेड बाय फिफ्टी टू फोर से कैंसिल किया फोर थ्री आपका, so आपका क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा फेस कार्ड की मतलब आर का वैल्यू आपका थ्री बाय थर्टीन आ जाएगा सो so पी का वैल्यू टू बाई थ्री आ गया था क्यू का वैल्यू जो है इसमें वन बाय टू वन बाय टू दिया हुआ है

तो अगर ये इंपॉसिबल इवेंट है तो इसके फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे जीरो और जीरो हो जाएंगे इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जीरो और जीरो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी तो ये ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा एंड ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सो so हमने स्टेटमेंट वन टू और थ्री से पी क्यू आर एस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है और यहां पर फिलिंदा ब्लैंक से हमने यहां पर देखा ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर आ चुका है So, पर क्वेश्चन नंबर अचीवर सेक्शन में जो है यहाँ पर तीन ही क्वेश्चन जो है वो फॉर्म हुए हैं और यहाँ पर जो है आपके सामने आंसर कीज है एबीसीडी आप इस आंसर की को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री के आंसर्स हैं और यहाँ पर जो है हमारा बिगनर्स लेवल इंटरमीडिएट लेवल और अचीवर सेक्शन जो है प्रोबेबिलिटी का खत्म हो गया है मैंने आपको सारी वेराइटीज़ के क्वेश्चन जो है वो कवर अप करा दिए हैं प्रोबेबिलिटी के जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप फर्दर और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जिससे कि आपके स्कूल में और साथ ही साथ आईएमओ का जो है आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए और आप यहाँ पर जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही स्पीड से जो है वो मार्क कर पाएँ तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो चलिए एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैगनेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर जो है बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं जैसे कि सोल्यूशन की आपकी सैम्पल पेपर के जो सोल्यूशंस हैं उसकी बुकलेट है एम सी क्यू बुक्स हैं थ्योरी बुक्स हैं एंड मेनी मोर अगर आपको ये बुकलेट्स या बुक्स चाहिए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन पर जाना पड़ेगा वहाँ पर फॉर्म है उसको आप फिल करिए बैक एंड टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगी एंड यू कैन गेट ऑल दीज बुक्स तो भाई क्या करना है आप लोगों को मेहनत करनी है पढ़ाई करनी है और एक छोटा सा काम वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू वेरी मच